तीसरा फरमाया वक्तल नफ्स, किसी भी इंसान को कत्ल कर देना। अल्लाह ताला ने इंसान की जान की बड़ी हुरमत रखी है, किसी इंसान को बिला वजह शरी जवाब के बगैर कत्ल कर देना। सिर्फ चंद सूरतें हैं जिनमें इंसान को कत्ल करने की इजाजत होती है, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है कि अगर किसी ने दूसरे को कत्ल किया है तो उसके बदले में क़िसास के तौर पर कातिल को कत्ल किया जा सकता है, या किसी ने कोई माज़ल्ला मुर्तद हो गया हो तो वो भी कत्ल उसको किया जा सकता है। तीसरा यह कि किसी ने अल्लाह बचाए शादीशुदा आदमी हो और उसने जिना का इर्तिकाब कर लिया हो तो उसको कत्ल किया जा सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें हैं जिनमें किसी को कत्ल करना जायज है, और वो भी हर इंसान का काम नहीं है बल्कि ये हुकूमत का काम है, हाकिम का काम है कि वो ये सजाएं जारी करें। लेकिन आम आदमियों को ये नहीं कि कोई एक आम आदमी उठकर किसी को इस बिना पर कत्ल कर दे कि इसने ये मुर्तद हो गया है, या इस बिना पर कत्ल कर दे कि ये जिना किया है इसने माजल्ला, ये जायज नहीं है। हुकूमत हाकिम का काम है कि वह कत्ल करे, लेकिन आम इंसानों के लिए ये कत्ल करना किसी सूरत में जायज नहीं होता किसी इंसान को, न मुसलमान को न गैर मुस्लिम को। गैर मुस्लिम जो मुसलमानों की के मुल्क में रहते हों, जिनको जिम्मी कहा जाता है, उनको कत्ल करना भी इतना ही हराम है जितना मुसलमान को कत्ल करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि जो शख्स किसी मुसलमान मुल्क में रहने वाले काफिर को जिम्मी को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। ये अल्फाज है लम यरह रायतल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो किसी मुसलमान मुल्क में रहने वाले काफिर को भी अगर कत्ल करे तो भी इतना बड़ा सदगुना है। और आप देख लो कि आज क्या हाल बना हुआ है, इंसान की जान जो है वो मक्खी मच्छर से ज्यादा बेहकीकत होकर रह गई है, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर तमाम सहाबे किराम के मजमे में बिल्कुल साफ लफ्जों में फरमाया अला तर्जिउ बादी कुफारन यज़रिबु बादुकुम रिक़ाब बाद, अरे अच्छी तरह सुन लो कि मेरे बाद तुम इस तरह काफिर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो, एक दूसरे को कत्ल करने लगो। और ये फरमाया कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी आबरूएं तुम पर इस तरह हराम हैं जैसे कि ये महीना हराम है, जैसे कि ये दिन हराम है, जैसे कि ये जगह यानी हरम हराम है, उतनी ही हुरमत रखती है एक मुसलमान की जान माल और आबरू। बल्कि एक हदीस आती है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर अमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सरूरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ का तवाफ कर रहे थे, तो तवाफ करते हुए आपने फरमाया कि अल्लाह के बैतुल्लाह मा अतयबक व मा आजम हुरमतक, कि ए बैतुल्लाह तू कितना अच्छा है और तेरी हुरमत कितनी अजीम है, कितना साहिब कितना हुरमत वाला एहतराम वाला है। फिर फरमाया खुद ही फरमाया कि लेकिन एक चीज ऐसी है ए बैतुल्लाह, एक चीज ऐसी है जिसकी हुरमत तेरी हुरमत से भी ज्यादा है, और वह है एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी आबरू। यानी यह फरमाया कि मुसलमान की जान, मुसलमान के माल और मुसलमान की आबरू की हुरमत बैतुल्लाह की हुरमत से भी ज्यादा है। आप जरा सोचो कि अगर खुदा ना करे अल्लाह ताला खाकम बदहन कोई इंसान माज़ल्लाह बैतुल्लाह की हुरमत को पामाल करे, बैतुल्लाह को माज़ल्लाह ढाने लगे या उसकी हुरमत को किसी और तरह पामाल करे, तो आप देखो कि सारी उम्मत मुस्लिमा क्या में से कोई बर्दाश्त करेगा उसको, यानी लोग जाने दे देंगे
لیکن بیت اللہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان مال اور آبرو کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. لہذا اگر کسی مسلمان کی جان لے لی کسی نے ناحق تو وہ اس سے زیادہ بدتر گناہ ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینے کا گناہ ہو. بیت اللہ کو منہدم کرنے کا الحمد للہ جو گناہ ہوتا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی جان کو جان دے لینا ناحق. بلکہ آپ نے مال اور آبرو کے بارے میں بھی یہ فرمایا, کسی کا مال ناحق لے لیا, چوری کر لیا, دھوکے سے لے لیا, چھین لیا یا اور کسی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گیا, تو اس نے بھی گویا ایک مسلمان کی حرمت پامال کی, اس کے مال کی حرمت پامال کی, تو بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوگا. یا کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا, اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی, اس کو بلا وجہ بدنام کیا, تو گویا بیت اللہ کو اٹھانے کی کوشش کی. اتنی بڑی حرمت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھو کہ مسلمان کی جان جو ہے وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو گئی ہے, مسلمان کی یا انسان کی بات. اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کے لیے گویا دین کا نام استعمال کر رہے ہیں, یہ دین کا تقاضا ہے گویا, معاذ اللہ. یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اور ہر مسلمان کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ کسی گناہ میں اس طرح مبتلا کرتا ہے کہ انسان کو یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو وہ تو دین کا تقاضا ہے. یہ بدترین دھوکہ ہے جو شیطان کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.